उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल इसी माह 15 नवंबर के बाद शुरू होगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई है। 3 सदस्यीय कमेटी में भी बना दी गई है। अब कॉलेज प्रशासन को 2000 से अधिक वॉलंटियर की तलाश है। कोरोना के कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक की ओर से तैयार किया गया है। इसके 2 फेज का ट्रायल जिले में पूरा हो चुका है। पहले फेज में 8 और दूसरे फेज में 14 वॉलंटियर को वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगाने के बाद लगातार 42 दिनों तक इन वॉलंटियरों की निगरानी की गई। सभी वॉलंटियर अब तक स्वस्थ मिले हैं। इसके बाद तीसरे फेज के ट्रायल के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। कॉलेज प्रशासन को वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2000 से अधिक वॉलंटियर की जरूरत है। इसमें सभी आयु वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना है। बताया जा रहा है कि तीसरे फेज के ट्रायल के बाद ICMR नए साल में वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि पहले अक्टूबर में ही ट्रायल होना था, लेकिन शासन की ओर से समय और बढ़ा दिया गया है। ट्रायल के लिए 2000 से अधिक वॉलंटियर की जरूरत है। इसी माह 15 नवंबर के बाद ट्रायल शुरू होगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।